सो ऋषिकेश को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ और जा रही हूँ हरिद्वार, वहाँ से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये इसको फिर से जाता हुआ देख करके मन कर रहा है कि फिर से चली जाऊँ मैं रिवर राफ्टिंग के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूं हरिद्वार और यहां पर स्टेशन पे क्लॉक रूम में अपना सामान रख देती हूं और उसके बाद में मैं जा रही हूं हरिद्वार में हरि की पौड़ी, वहां पर दर्शन करने के लिए। हरिद्वार स्टेशन से हरि की पौड़ी नज़दीक में ही है, लगभग 10 से 15 मिनट आपको रिक्शा साइकिल से लग जाएगा पहुंचने में और पैदल आप 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं। मैंने चूज़ किया कि मैं रिक्शा से चली जाऊं क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही टाइम है। अभी ट्रेन में मेरे लगभग 5:30 बजे की ट्रेन है और अभी बजे हैं 3:30, तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, तो मैं जल्दी से जाके जल्दी से वापस आना चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा मार्केट देखना मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर हर वो चीज़ मिल रही है जिसकी आपको ज़रूरत है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाट की इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको तुरंत मुँह में पानी आ जाएगा। और यहाँ पर आप आए हैं तो एज अ मेमोरी आप बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। मैं आ गई हूँ हरिद्वार ऋषिकेश से, अब मैं हरिद्वार आ चुकी हूँ और हरिद्वार से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए, तो थोड़ा सा मुझे हरि की पौड़ी वगैरह देखना था, दर्शन करना था, बस उसी के लिए आई हूँ। तो थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पर और ऋषिकेश में हर जगह आपको इस तरीके से गंगा जल मिल जाएगा। ये एंट्रेंस है हरि की पौड़ी का और यहाँ से मैं एंटर करूँगी और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय फील हो रहा है। ये कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने देखा सब लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और अभी 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। मेरा बड़ा मन था कि मैं आरती अटेंड कर लूँ लेकिन कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी ट्रेन है 5 बजे की। यहाँ का ये सुंदर दृश्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये सुंदर सा ब्रिज बनाया गया है जो कि धनुष के शेप में है। इसे माना जाता है कि ये शिव जी के धनुष के शेप में बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट और राइट में बहुत सारे ब्रिज हैं। हरि की पौड़ी दर्शन करने के बाद में अब मैं वापस आ चुकी हूँ स्टेशन पे और यहाँ से मैं अपना सामान कलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी ट्रेन के इंतज़ार में। हरिद्वार से मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए और ट्रेन चूज़ की है मैंने शताब्दी, देहरादून शताब्दी स्पेशल है ये दिल्ली जाएगी और मेरी जर्नी अभी तक काफ़ी कंफर्टेबल रही है। इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पर मेरे हरिद्वार की जर्नी ख़त्म होती है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं दिल्ली में।